अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं वाइट चिकन कोरमा। और ये चिकन कोरमा इतना मज़े का बनकर तैयार होता है कि आप इसे खाएंगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। और आप इस चिकन कोरमे को मेहमानों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनता है और इसकी ग्रेवी भी एकदम क्रीमी और स्मूथ बनती है। और आपको रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो हम फटाफट से इस मज़ेदार से वाइट चिकन कोरमे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम चिकन ली है और हमने चिकन को बोन के साथ ली है, और आप विदाउट बोन भी ले सकते हैं। तो हम चिकन में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून विनेगर, और अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। और इसमें पानी डालकर हम चिकन को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट तक पानी में सोक कर रख देना है। इससे चिकन में से स्मेल भी हट जाएगी और जो ब्लड वगैरह होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। A few minutes later. तो देखिए, यहाँ पर हमने चिकन को 3 से 4 साफ पानी से इसे वॉश कर इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। और देखिए चिकन कैसे वाइट हो गई है और इसमें से सारा ब्लड वगैरह रिमूव हो गया है और एकदम क्लीन हो गई है। और अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। हमें इसमें डाल देना है 4 बड़े चम्मच दही, और ये अराउंड 150 ग्राम है, और 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और हमें ले लेना है 1/2 लेमन, और इसे हमें चिकन में स्क्वीज कर लेना है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट कर रखने से चिकन में मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये जल्दी भी गल जाती है। चिकन को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। यहाँ पर हम वाइट चिकन कोरमा बना रहे हैं इसलिए हमें वाइट पेपर पाउडर का यूज़ करना है, और इसे भी हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे किसी ढक्कन या क्लिंग रैप से कवर कर इसे रख देंगे। तो अब हम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इतने हम चिकन की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो हमें ले लेनी है एक कढ़ाई, और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और अब हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम काजू, और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मगज तरी जिसे मेलन सीड्स भी कहते हैं, और साथ ही में हमें ले लेनी है 5 से 6 हरी मिर्चें, हमें मीडियम तीखी वाली मिर्चें लेनी है, और एक बड़ी साइज़ की प्याज जिसे हमने रफली चॉप्ड कर ली है। और इन सभी चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, और इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसे फ्राई करने में 3 से 4 मिनट ही लगती है। प्याज के सॉफ्ट हो जाने तक ही हमें इसे फ्राई करना है, और इसे इसी तरह से स्टर करते हुए फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्राई कर ग्रेवी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और 3 मिनट हो गई है, और देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। और इसी पॉइंट पर हमें इन सभी चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, और इसे ठंडा कर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून बटर और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और आपके पास बटर ना हो तो आप इसे सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं। लो फ्लेम पर बटर के मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बादियान का फूल, 2 तज के टुकड़े, और 4 से 5 हरी इलायची, और 4 से 5 लौंग, और 5 से 6 काली मिर्च। इन सभी साबुत गरम मसाले को हमें क्रेकल होने तक सोटे कर लेना है। इस तरह से साबुत गरम मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाता है। और यहाँ पर हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा भी हो गया है, और देखिए चिकन काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। और ये सभी चिकन को हम गरम मसालों के क्रेकल हो जाने के बाद इसे कढ़ाई में डाल देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इस चिकन को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर इसे भूनते हुए 3 मिनट हो गई है, और देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। और देखिए यहाँ पर दही ने और चिकन ने काफ़ी सारा पानी रिलीज कर दिया है। और इसी तरह से हम 5 से 7 मिनट तक इस चिकन को भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो भी कच्चापन है वह हट जाए। 7 मिनट हो गई है हमें इसे भूनते हुए, और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज, हरी मिर्च, काजू और मगज तरी का पेस्ट बनाकर तैयार किया था, वो सभी को हमें इस चिकन में डाल देना है। और इसी जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर भी उसे डाल देंगे, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। हमने पहले भी व्हाइट पेपर पाउडर डाला है। और इन मसालों के साथ भी हम चिकन को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अब हम चिकन को ढककर 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और हमें इसे बीच बीच में स्टर करते रहना है। यहाँ पर हमने चिकन को ढक दी है। चिकन को पकाते हुए 15 मिनट हो गई है और चिकन 80-90% जितनी कुक हो गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने से ग्रेवी का टेक्सचर एकदम क्रीमी सा हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और क्रीम को हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 2 मिनट हो गई है और क्रीम डालने के बाद हमें चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है। और माशाल्लाह चिकन की एकदम ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चिकन भी अच्छे से कुक हो गई है। और अब हम चिकन की एक बॉडी को लेकर इस तरह से तोड़कर देख लेते हैं और देखिए चिकन अंदर तक टेंडर हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई है और दिखने में भी काफ़ी मज़े की लग रही है। और देखिए इसका ऑयल सारा सेपरेट हो गया है और देखिए इसकी ग्रेवी काफ़ी स्मूथ एंड क्रीमी सेम रेस्टोरेंट जैसी बनी है। और लास्ट में हमें इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी और इसे इस तरह से हाथों से क्रश कर कर डालें और थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया डाल दें। कसूरी मेथी और हरे धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। और देखिए चिकन की ग्रेवी हमें ऐसी ही रखनी है, ना ही ज़्यादा थीक है और ना ही ज़्यादा पतली है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर चिकन बनकर तैयार है और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस चिकन को डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह एकदम मज़ेदार सी रेस्टोरेंट जैसे व्हाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार है। और आप इस चिकन को तंदूरी रोटी, चपाती, नान या पराठा या लच्छा पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आपको भी देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आज ही आप इस चिकन को डिनर में बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी भी चिकन कैसी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।